ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हिंदी में हम लोग पत्र लेखन और निबंध लेखन के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इनमें क्या याद करें, इनको किस तरह से याद करें, किस तरह से लिखें कि हमारा जो है पूरा मार्क्स मिले, और कौन से निबंध याद करें, कौन से पत्र लेखन को हम याद करें, पढ़ें, समझें, जिससे हमारा पूरा मार्क्स मिले। हालांकि ये सब चीज़ें तो अपने लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ फॉर्मेट और कुछ रूल्स रेगुलेशन पता होना चाहिए जिससे पूरा नंबर निकल के आता है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि कौन से याद करने हैं, उसको देख लेंगे तो अपने आप फॉर्मेट वगैरह ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा और लिखने का तरीका भी थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। ये सभी हिंदी के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी बोर्ड से हो, जहाँ से भी हो, वहाँ पे आपको लगभग यही चीज़ मिलेगा। ठीक बात, तो बात करते हैं सामान्य हिंदी के ऊपर, इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है पत्र लेखन। हम बता रहे हैं कि पत्र में आपको क्या लिखना है। तो दो प्रकार के पत्र आप हमेशा याद कर लीजिए, ठीक है, और यही प्रकार के पत्र आपको इंग्लिश के एग्जाम में भी मिलेंगे, इंग्लिश के एग्जाम में भी, बस उसको इंग्लिश में देना होगा, यहां पे हिंदी में देना है। ठीक है, कौन कौन से पत्र हैं, तो देखिए सबसे पहला क्या है, प्रवक्ता या लिपिक, इन दोनों में से किसी के लिए भी आपको एक नियुक्ति पत्र जिसको कहते हैं, वो नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, ये आपको याद करना है इसको। ठीक है, और इस पत्र को लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए बॉक्स बनाना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। केवल आप आवेदन लिख दिए तो काम नहीं चलेगा, अगर पूरा मार्क्स चाहिए, बढ़िया तरीके से मार्क्स चाहिए, तो आपको एक शैक्षणिक योग्यता का बॉक्स आपको याद करना है, उसको भी लिखना है। आप उसको भी अपने हिसाब से बना करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो हम बार बार बता रहे हैं, हम ज्ञान आश्रम के ऐप में ये सब चीज़ें स्कैन करके अपलोड कर दें, पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर रजिस्टर हो जाइए। ठीक बात, तो यहाँ पर क्या है कि प्रवक्ता या फिर लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र आपको आएगा, और दूसरा आपका शिकायती पत्र आता है। ठीक है, इन दोनों में से एक 100% मिलेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकता। ठीक है, हिंदी में ये दोनों में से एक आना ही आना है। वो क्या है, शिकायती पत्र, जिसमें आपको या तो अपने अगल बगल की गंदगी की सफाई के लिए या मच्छरों का प्रकोप जो होता है उसके लिए आपको नगर निगम को शिकायत करने वाला पत्र का फॉर्मेट याद कर लेना है, पत्र याद कर लेना है, उस तरह से वो दोनों में से एक पत्र आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट आता है निबंध। निबंध में हम लोग क्या याद करें, तो निबंध में आपको यहाँ पर हमने चार दिया है, ये चार में से हो सकता है तीन आपके एग्जाम में आ जाए या चारों के चारों आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, लेकिन फिर भी हम चार इसलिए दे रहे हैं कि रिस्क ना लें। ये कन्फर्म है कि इनमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, हो सकता है कि चारों ही एग्जाम में आ जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण, बचपन से याद करते आ रहे हैं, हर बार एग्जाम में मिलता है, तो ये अपना याद करना है। दूसरा आतंकवाद, ये भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, कई बार याद किया, ये भी आपको कर लेना है। तीसरा जनसंख्या वृद्धि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और चौथा विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये सारे के सारे आप हमेशा से याद करते आ रहे हैं, हर एग्जाम में याद करते हैं, और यही आपको इस बार भी याद करना है, यही आपको बोर्ड में भी मिलेगा, क्लास ट्वेल्थ में भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि निबंध लिखते कैसे हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, लेते हैं लंबा चौड़ा लिख के पूरा चलाते हैं एकदम कॉपी में खूब ढेर सारा, और सोचते हैं कि पेज गिनते हैं कि इतना पेज लिखा तो इतना नंबर, इतना पेज लिखा तो इतना नंबर, नहीं, पेज गिनने से नंबर नहीं मिलता। निबंध लिखने की अपनी एक शैली होती है, सबसे पहली बात कि उसे अपने भाषा में लिखिए, याद करके बस जाइए, लेकिन लिखने का तरीका आपको अपना होना चाहिए, पढ़ के जाइए, लिखने का तरीका आपका अपना होना चाहिए, अपने भाषा में उसको लिखना। और दूसरा, लिखते कैसे हैं, तो लिखने का अपना जो है एक हेडिंग्स होता है, आप अगर क्वेश्चन बैंक गाइड रखें तो उसमें हेडिंग वाइज दिया हुआ है, अगर नहीं दिया तो हम स्कैन करके भेजेंगे आपको अपने ऐप पर, और आप उस हेडिंग वाइज याद कर लीजिएगा तब लिखेगा। और बाय चांस ऐसा कोई निबंध आया जिसको आपको हेडिंग नहीं याद है, कुछ नहीं पता है फिर भी, लेकिन उसके बारे में लिख सकते हैं क्योंकि यार हिंदी है, हिंदी अपना भाषा, कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे। फिर भी अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको अगर हेडिंग नहीं भी याद है तो आप पैराग्राफ छोड़ छोड़ के लिखेगा, मतलब चार पांच लाइन लिखा फिर पैराग्राफ छोड़ा, फिर चार पांच लाइन लिखा फिर पैराग्राफ बनाया, फिर चार पांच लाइन लिखा फिर पैराग्राफ बनाया, इस तरीके से पैराग्राफ वाइज आपको करना है, और लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर या फिर इस तरह से आपको लिख देना है लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कि इस चीज में ऐसे ऐसे होना चाहिए। जैसे अगर पर्यावरण लिख रहे हैं तो लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर लिख लेंगे पर्यावरण प्रदूषण से इस तरीके से लड़ना चाहिए, अगर आतंकवाद लिख रहे हैं तो लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर लिख दें आतंकवाद से इस तरीके से बचना चाहिए, ठीक है, इस तरह से लड़ना चाहिए, इसके साथ ये पॉलिसी अपनानी चाहिए, तो इस तरीके से लास्ट में निष्कर्ष टाइप में आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपने इस तरह से निबंध लिखा, जैसे हमने बताया पत्र लिखा, आपका हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, आप एवरेज स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे हिंदी के, आप टॉपर स्टूडेंट हो जाएंगे हिंदी के। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पद्य और गद्य के बारे में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।